पढ़ेंगे द एनालिटिकल इंजन, ये कैसे काम करता है और इसे किसने बनाया था। ओके, पेन को ज़रा बंद कर देते हैं। एनालिटिकल इंजन क्या है, वो किसने बनाया था, वो कब बना था, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। द एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट जनरल परपोज कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। जो एनालिटिकल इंजन था वो वर्ल्ड में जनरल परपोज किया गया था एंड फर्स्ट कंप्यूटर के रूप में। ओके, मतलब फर्स्ट कंप्यूटर रूप में, मतलब फर्स्ट परपोज किया गया था। ओके, इट वाज डिज़ाइंड एज मैकेनिकल कंप्यूटर, इसका जो डिज़ाइन था वो बिल्कुल मैकेनिकल कंप्यूटर के जैसे था बिल्कुल। एट दैट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, और ये एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करता था। ओके, इसका मतलब कि कुछ भी इस पर, मतलब कुछ भी उसको इनपुट देंगे तो ये उसको परफॉर्म करता था अच्छे से, मतलब कैलकुलेशन को। ओके, द मशीन हैड फोर कंपोनेंट्स, द मिल, स्टोर, रेडर एंड प्रिंटर। इनके नाम से पता लगता है मिल, स्टोर, रेडर एंड प्रिंटर, ये इसके मशीन के कंपोनेंट्स थे। ओके, थोड़ा बड़ा करते हैं, इसके कंपोनेंट थे मिल, मिल से, मिल का मतलब है कि मिल, मिल को अगर हम बोलेंगे तो ये है प्रोसेसिंग। स्टोर, इसके नाम से पता लगता है स्टोर, कुछ स्टोर करने का काम आता होगा, ये हमारे डाटा जो हम इसे देखते हो उसे कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, ये इसका काम था स्टोर का। रेडर, रेडर का मतलब था इनपुट, हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं उसे, उसका मतलब रेडर। ओके, एंड ए प्रिंटर, प्रिंटर मीन्स आउटपुट, जो हम इसे इनपुट देंगे उसे आउटपुट प्रोवाइड करेगा हमें, इसका मतलब यह है। द मिल वाज कैलकुलेटिंग यूनिट, मिल का मतलब था प्रोसेस करना, जो हम इसे डाटा दे रहे हैं उसको प्रोसेस करता था मिल। ओके, द स्टोर वाज स्टोरिंग इनपुट वेयर डाटा इज सेव्ड। ओके, मैंने बताया था कि स्टोर का, स्टोर के नाम से पता लगा कि स्टोरिंग करने के लिए कुछ डाटा था। ओके, डाटा को स्टोर करता था। द रेडर वाज द इनपुट डिवाइस। ओके, एंड सेवन पॉइंटर्स का, एनालिटिकल इंजन वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। जो एनालिटिकल इंजन था उसको भी चार्ल्स बेबेज ने ही इन्वेंटेड किया था। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था टॉपिक में डिफरेंस इंजन को किसने इन्वेंटेड किया था, डिफरेंस इंजन को भी चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंटेड किया था। और जब वो डिफरेंस इंजन को इन्वेंटेड किया था उसके 10 साल बाद उन्होंने उस पर काम छोड़ के उन्होंने यह काम स्टार्ट किया था एनालिटिकल इंजन का। फिर उन्होंने एनालिटिकल इंजन को 1837 में इन्वेंटेड किया। ओके, ये जो आठवां पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये एनालिटिकल इंजन का नहीं है, ये है डिफरेंस इंजन का, जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था। ओके, बिटवीन 1847 टू 1849 इमेज कंप्लीटेड अनदर मॉडल ऑफ डिफरेंस इंजन। ओके, दिस मॉडल आल्सो सिंपल देन फर्स्ट वन। जो ये मॉडल है, ये जो पहले वाला मॉडल था उससे बिल्कुल सिंपल है उसके। ओके, और ये बिटवीन 1847 टू 1849। ओके, और आज हमने पढ़ा एनालिटिकल इंजन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।